Hello friends, welcome to Unacademy Studios Rise. This is me, Dr. Sidharth Arora, and we are continuing the summary course of Laxmikanth for Polity. मैंने फिर तुम्हें बार बार हर वीडियो में ये बात बता रहा हूँ, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि पेरिफेरल टॉपिक्स हैं, इनको ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशन से नहीं पढ़ा जाता है. That is why I am making it an endeavor that, see, we have already crossed more than 3/4 of this course now. मैंने पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत का सारे चैप्टर्स की तुम्हें समरी पढ़ाई है. And I have also realized, right, कि जब आप last moment पे revise करते हो, that becomes very difficult to take a full 1 hour course. पूरा का पूरा 1 घंटे का मैं revise करूँ video, practically not possible. I'm thinking like a student, okay? I'm thinking like an IAS aspirant, जिसको finally exam देनी है. मेरे पास एक एक मिनट काउंट करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि सर एक टॉपिक करना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. फॉर एग्जांपल आज का टॉपिक इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. अब तुम लास्ट डेज पे रिवाइज कर रहे हो कि यार कोऑपरेटिव सोसाइटीज सर पूरा का पूरा कर लेते हैं, और पता चले जो पूरा 1 घंटे के वीडियो के बीच में कहीं पर कोऑपरेटिव सोसाइटी है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मार्क दिस. ऑलराइट, सो मैंने इससे सोचा है दैट वी विल डू दीस मिनी टॉपिक्स अलग से, ऑलराइट, बट वील डू इट इन सम व्हाट डिटेल कि भगवान ना करे क्वेश्चन आ भी जाए तो ऐसा नहीं है कि यू आर कंप्लीटली बेरिफ्ट ऑफ इट. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक ऑन मेरिट बेसिस. ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट अदा है इस एग्जाम को पास करने की, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है दैट आप अपने आप से इस बात को मत कोरिलेट करो कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है या अनइम्पॉर्टेंट है. लेट योर प्रोफेशनल मेंटर्स, जहां या तो तुम यहां पढ़ रहे हो तो यहां ठीक है, अगर तुम किसी ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ रहे हो तो तुम्हारे टीचर पे ऊपर बहुत बहुत मैटर करता है कि वो तुमको गाइड कर सके कि कितने टॉपिक को कितना तवज्जो देना है, कितना टाइम देना है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट विद रिगार्ड्स टू द वेटेज दैट सिविल सर्विसेज पुट्स ऑन इट. राइट, सो एंश्योर दैट यू बैलेंस बोथ ऑफ दैट. नाउ इफ यू लुक एट दिस, यहां पर अगर यू ऑलरेडी नॉट टेकन, अगर तुमने ऑलरेडी कोई कोचिंग नहीं ले ली है या फिर तुम ऑलरेडी प्लस कोर्सेज के पार्ट नहीं हो, विच आई बी वेरी अनहैप्पी टू नोटिस कि अगर देर आर स्टिल पीपल हु आर ट्राइंग टू डू इट ऑन देयर ओन. देखो अगर यू आर ऑन योर ओन तो यू शुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि यू आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस हॉर्स. ओके, तो जस्ट बिकॉज तुम्हें घुड़सवारी करनी ही है और जस्ट बिकॉज मुझे बहादुरी दिखानी है, दिस इज नॉट द करेक्ट प्लेस टू शो इट. यू नो करेज इज नोइंग what you can and what you cannot do, all right, and know the difference between them. तो सिर्फ बहादुरी सिर्फ जाकर भिड़ जाने से नहीं होती, शेर आया तो भाग जाने में भी करेज होता है. ओके, वो भी इंटेलिजेंस है. ये ही काम मैं तुम्हें बोल रहा हूं. मैं नहीं बोल रहा हूं कि दिस इज साइन क्वा नॉन, आई एम नॉट सेइंग दिस इज मैंडेटरी कि दुनिया में हर एक ने जिसने IAS एग्जाम पास किए उसने कोई ना कोई कोचिंग लिए. बट येस, अगर तुम नहीं संभाल पा रहे हो इस घोड़े को, इस हॉर्स को, तो ensure that you take a structured coaching whether offline or online. और अगर तुम online choose करते हो, this is a very good platform, this is the plus platform, जिस पर plus courses available है India के best educators के, prelims से लेकर optional तक तुम्हारे पास plus courses available होंगे, prelims से लेकर optional तक. मेरा polity का course होगा, ऐसे history का, faculty का होगा, socio होगा, geography होगा, economics होगा, all the way टिल द एंड तुम्हारे पास प्लस कोर्सेज अवेलेबल होंगे, प्लस एन ऑसम टेस्ट सीरीज जो कि तुम्हारी एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन की मदद कराएगी. प्लीज अंडरस्टैंड, बिना एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन करा के जाना समझदारी की कोई निशानी नहीं है. तुम पता नहीं क्या सोच के एग्जाम देने जा रहे हो और वो कुछ और ही पूछने वाले हैं. इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली इलॉजिकल. सबसे अच्छी बात है कि दिस एंटायर थिंग घर बैठे प्रिपरेशन हो जाएगी एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस. फॉर एन एंटायर 1 ईयर कोर्स तुम्हें 40,000 रुपीज में पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा. मैं फिर ये बात बोल रहा हूं, कोई गलत फहमी मत कर लेना कि ये सिर्फ पॉलिटी का है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूसिव है, प्रिलिम्स से लेकर ऑप्शनल तक. एक बार इसको डिवाइड करके देखो तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पर सब्जेक्ट हार्डली एनी कुछ इसका कॉस्ट पड़ने वाला है. उसमें भी पैसे बचा लो, SID कोड यूज करो, SID मेरा कोड यूज करो, प्रेस अप्लाई बटन, यू विल गेट एन इमीडिएट 10% डिस्काउंट. 36,000 रुपीज में पूरा का पूरा का पूरा कोर्स, ऑलराइट, अवेलेबल. उसी तरह से मेरे कॉलेज वाले फ्रेंड्स, ये तुम्हारे लिए 24 कैरेट गोल्ड अपॉर्चुनिटी है.
दो साल में तुम्हारी रॉक सॉलिड प्रिपरेशन हो जाएगी। 64,000 में पूरा दो साल, उसमें भी पैसे बचाओ। जैसे तुमने कोड यूज किया SID, प्रेस अप्लाई बटन, यू विल गेट एन इमीडिएट 10% डिस्काउंट। 57,600 में दो साल, ओके, दो साल का सारे सब्जेक्ट प्रीलिम से लेकर ऑप्शनल तक। तुम्हें करना कुछ नहीं है, गो टू गेट सब्सक्रिप्शन ऑन द ऐप, 12 मंथ्स 24 मंथ्स चूज करो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। जहां ये पार्ट है वहां पर SID कोड यूज करो, प्रेस अप्लाई बटन, गेट अ 10% डिस्काउंट। इस तरह से तुम्हें मेरे कोर्स दिखाई देंगे। द कोर्सेस लाइक कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटी गवर्नेंस एंड IR। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछे थे कि सर आपका कोर्स कब आएगा। बेटा ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है, और टाइम वेस्ट मत करो। उन फ्रेंड्स से पूछो जो ये प्लस कोर्सेस ले रहे हैं। अभी कुछ ही क्लासेस में मुझे उनमें जमीन आसमान का डिफरेंस दिख रहा है, तो उनको तो क्या डिफरेंस दिख रहा होगा आप खुद ही नोटिस कर लेना। 77 लेक्चर्स लूंगा जनवरी 2020 तक, पूरा का पूरा कोर्स खत्म, ओके, पूरा का पूरा कोर्स विल बी वाइप्ड आउट बाय जनवरी 2020। डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम। ये मेरा कोर्स है, ऐसे ही तुम्हारे पास हर टीचर का हर सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल होंगे। प्लीज डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम ऑन दिस डिसीजन, बाद में बहुत देर हो जाती है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, ये मार्क कर लेना। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में हमने पहले आर्टिकल 19(1)(c) को अमेंड किया, जिसमें हमने बोला कि वर्ड, जहां पे याद है तुम्हें था कि हम बोलेंगे एसोसिएशंस बनेंगे, ग्रुप्स बनेंगे और यूनियंस बनेंगे। इफ यू रीड आर्टिकल 19(1)(c), मैं ऐसे तुम्हारे सामने पढ़ लेता हूं, ऐसे करते स्टूडेंट राइट जैसे कर लेते, ताकि तुम्हें लगे कि इतना कोई मुश्किल है नहीं ये सब्जेक्ट, ओके। अगर 19(1)(c) आया तो इसमें था टू फॉर्म, ऑल सिटीजंस शैल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। उस यूनियन वर्ड के आगे हमने याद वर्ड करवाया कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमने डाल दिया है, तो सर ये तो फंडामेंटल राइट हो गया, बहुत अच्छा फंडामेंटल राइट हो गया। लेकिन हमने इसमें 43(b) भी डाला, जो हमने पार्ट 4 में डाला, उसमें लिखा द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन। बेटा वर्ड्स के पैसे है, वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। वाह, अगर तुम इनमें से एक भी वर्ड मिस करते हो तो तुम इसका एसेंस नहीं समझ पाए। 99.9% टाइम्स इसका सिर्फ क्वेश्चन लोगों को लगता है कि ये कोई ग्रुप बन जाता है, बट डोंट रियलाइज कि इसमें एक बड़ा मेजर चेंज है और एक बड़ा मेजर गड़बड़ है। द मेजर गड़बड़ विच इज सपोज टू बी नोटिस, जो एक्चुअली सेफ गार्ड है, कि ऑन द वन साइड इट इज डीलिंग विद आर्टिकल 19(1)(c), ऑन द अदर साइड इट इज डीलिंग विद द DPSP। तो ये फंडामेंटल राइट भी है, लेकिन इसके साथ इसको कंट्रोल या रेगुलेट करने वाला लॉ भी बनेगा। सर लॉ क्यों बनेगा? लॉ इसलिए बनेगा बिकॉज बेटा जो DPSPs होते हैं, दे आर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो DPSPs में आर्टिकल 37 है, और आर्टिकल 37 में क्लियरली बोला गया है that DPSPs justiciable नहीं होते। In other words, DPSP cannot be enforceable by the citizens through the court of law। मैं क्या बोल रहा हूं, they are not enforceable by an individual against the state through the court of law। तो सर ये तो नहीं है ना, justiciable नहीं है, तो ये तो binding नहीं है। अरे मेरा बच्चा, यही तो बात है, लॉ में सिनोनिम्स नहीं होते, लॉ में पर्यायवाची नहीं होते। इन अदर वर्ड्स, इट इज नॉट जस्टिसिएबल बट इट इज बाइंडिंग। सर बाइंडिंग मतलब, बाइंडिंग मतलब इट द स्टेट के ऊपर कुछ हद तक कंपल्शन है कि वो DPSPs को उबे करवाए। सर कैसे करवाएंगे? सर वो करवाएंगे बाय पासिंग ऑफ लॉस। सर लॉस पास करवाएंगे? यस बेटा, वो लॉस पास कराएंगे। तो सर अगर उन्होंने लॉस नहीं बनाए तो, अगर लॉस नहीं बनाए ना बेटा, तो नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होगा ना, तो उनको वोट मत देना। यू अंडरस्टैंडिंग? सो द वर्ड ओवर हियर इज
that it is not justiciable. So, tumhe question aayega, DPSPs are binding? Haan, it is binding. Is it enforceable by the court of law? No, it is not enforceable by the court of law. So, it is not justiciable, but it is binding. So, sir, ab baat yahan par, ab point samajh mein aa gaya. To yahan par gadbad hai ki tumhare paas cooperative society banane ka fundamental right bhi hai. Yani ki ye justiciable bhi hai. Lekin usi ke saath ye article 43B bhi hai. Yani ki DPSP bhi hai. Yani ki by law hum isko regulate bhi kar sakte. Beautiful arrangement. Tumne notice kar rahe ho, samajh mein aayega. That is how you read the constitution. कि ये मुझे एक चीज दिखी है जिसका element is in fundamental right as well as DPSP and by the same amendment. By the same amendment. तो ये एक बड़ा important part है. तो सर इससे फायदा क्या है? फायदा ये है कि जब मैं, अब important क्या है? The state shall endeavor है. सर क्या बात करो? मतलब state बना के देगा ना cooperative society? अरे नहीं, state कोशिश करेगा. State shall endeavor. ध्यान से सुनना. कभी देखो, ऐसे पढ़ना होता है. When you're reading for polity, when you're reading for IAS exam, ऐसे समझना होता है. अगर तुम article 46 खोल के देखोगे ना, तो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत idea है, तो if you read article 46, तो तुम्हें article 46 में, remember वो reservation वाला, for the special care for the economic and education status of scheduled caste, उसमें state shall promote लिखा है. लेकिन आर्टिकल 43B में लिखा है स्टेट शैल एंडीवर टू प्रमोट. हम कोशिश करेंगे. ऑलराइट, और वहां है हम करेंगे ही करेंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? तो द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रमोट, नंबर वन वॉलंटरी फॉर्मेशन, नंबर टू ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, नंबर थ्री डेमोक्रेटिक कंट्रोल, एंड नंबर फोर प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ओके, सो हम लोगों ने ये पार्ट 9B को इंसर्ट किया और आर्टिकल 243ZH टू आर्टिकल 243ZT तक हमने इंसर्ट किया है टू एंश्योर कि हम ये फंडामेंटल राइट्स और DPSPs का कॉम्बिनेशन एनफोर्स कर सके. तो ये होगी तुम्हारी हिस्ट्री विद रिगार्ड्स टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो हमने किया है द कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट एक्ट. इसको किया क्यों है? तुम्हें एम पूछा जाएगा. ये करने की क्या जरूरत है? इट इज इनएक्टेड टू एनकरेज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ कोऑपरेटिव्स व्हिच इन टर्न हेल्प प्रोग्रेस ऑफ रूरल इंडिया. इट इज एक्सपेक्टेड टू नॉट ओनली एंश्योर ऑटोनॉमस एंड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव्स बट ऑल्सो द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू द मेंबर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स. तुम अगर सिर्फ टाइम पास के लिए वीडियो देख रहे हो तो देख लो यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. बट अगर मैं तुम्हारी जगह होता या कोई सीरियस कैंडिडेट है तो प्लीज ये लिख लो, ये तुम्हारे काम आएगा. तुम्हें क्वेश्चन में कहीं भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आएगा तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी. बेटा समझनी इसलिए पड़ेगी क्योंकि ये हमने आर्टिकल 43 के नीचे लिखा है. देखो अगर मैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, देखो इस बात को समझो, इट्स हैज टू बी वेरी डेलिकेटली हैंडल्ड. अगर मैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ूंगा और आर्टिकल 43 देखूं तो आर्टिकल 43 डील्स विद लिविंग वेजेस एटसेट्रा फॉर वर्कर्स और 43A था पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. द स्टेट शैल टेक स्टेप्स बाय सूटेबल लेजिस्लेशन और इन एनी अदर वे टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग्स एस्टैब्लिशमेंट्स और अदर ऑर्गेनाइजेशन. तो बेटा ये ना कहीं रिलेटेड है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी. देखो अगर तुम इस डीपीएसपी को देखोगे तो आर्टिकल 41, 42 एंड 43 ये कहीं ना कहीं वर्क से रिलेटेड थे. अगर तुम्हें ये याद आ रहा है तो आर्टिकल 41 था राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक, राइट टू एजुकेशन and right to public assistance in certain cases. अगर तुम्हें मेरा वो वाला वीडियो याद है तो तुम्हें याद होगा मैंने इसमें बोला था it can be done within the limits of my economic development. Okay, please understand, इन videos को देखो my friends, please घर बैठे time pass मत करो. Okay, be very very concentrating on this part. फिर हमारा था article 42 जिसमें था just and humane conditions of work. उसमें था जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क.
और फिर था मेटर्निटी रिलीफ, फिर था आर्टिकल 43 जिसमें हमने बोला लिविंग वेजेस एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। इसमें अगर तुम्हें याद है तो लेजर एक्टिविटी की भी बात हुई थी, ओके, द रेड लेटर डेज, छुट्टियों की भी बात हुई थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर हमने 42nd अमेंडमेंट 1976 किया। हमने क्या किया? द 42nd अमेंडमेंट 1976। सर क्यों किया आपने? सर हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 करके आर्टिकल 43 के नीचे एक 43A लगा दिया, जिसमें हमने बोला कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन दे दिया। नाउ इफ यू पे अटेंशन टू दैट, इसमें हमने बोला कि जब वर्कर्स हैं उनका भी हक होता है, उनका भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया है एज ऑफकोर्स बाय लॉ, ओके, दैट वी शुड बी अलाउिंग ट्रेड यूनियंस एटसेट्रा टू टेक पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब हो क्या गया? तो कहीं ना कहीं 41, 42 एंड 43, अगर तुम इसको नोटिस करो तो इसमें सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स भी आ रहे, राइट? देयर आर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स आल्सो गेटिंग एडेड टू दिस, बिकॉज हम यहां पर वर्क 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 वर्क, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क, लिविंग वेजेस एटसेट्रा, ये सब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की बातें हो रही है। तब हमने नोटिस किया यार हर टाइम हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि कोई किसी के पास ही काम करने जाए, इन अदर वर्ड्स हम ऐसे क्यों बोले कि स्टेट ही एम्प्लॉयमेंट करे या किसी फैक्ट्री में कोई लेबर हो वही काम करे, कि तुम हमेशा काम करवाने की बात क्यों कर रहे हो? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं हमेशा ऐसे क्यों बोल रहा हूं कि कोई किसी के अंडर वर्क कर रहा है। तो 41 भी ऐसे डील कर रहा है, 42 भी ऐसे डील कर रहा है, 43 भी ऐसे डील कर रहा है, इनफैक्ट 43A भी यही बात बोल रहा है दैट द लेबर शुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द इंडस्ट्री। तो सर इसका मतलब है कि मैं जब तक नौकरी करूंगा किसी की, मैं किसी के अंडर वर्क करूंगा तभी तक मेरे साथ कॉन्स्टिट्यूशन है, वरना मैं गया? नहीं बेटा, चिंता मत करो। अगर ध्यान से सुनो, आई वॉन्ट टू एनकरेज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ कोऑपरेटिव्स, मैं लोगों के साथ मिलके हम काम कर सके, वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल द आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ओके, अमूल, ऑलराइट यार, ये साथ में मिलकर अगर हम सब लोग मिलकर काम करें तो क्या मुझे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन नहीं है? और एस्पेशली अगर मैं ऐसा करना स्टार्ट कर दूं तो ये मेरा एक गांधीयन प्रिंसिपल भी सच हो जाता है। व्हाई? बिकॉज गांधी जी वांटेड कि जितना जल्दी हो सके ग्राम स्वराज हो, जितना जल्दी हो सके ग्रास रूट लेवल पे बोथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो। तो यही आर्टिकल 40 का प्रिंसिपल था, और ये एक बहुत प्यारा मर्जर है बिटवीन द राइट्स टू वर्क रिलेटेड टू एम्पावरमेंट ऑफ रूरल इंडिया। तो अगर तुम साथ में काम कर सकते हो और मिलके काम कर सकते हो तो भी तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन है, ऐसा मना नहीं है। सो उससे होगा क्या? देयर विल बी प्रोग्रेस ऑफ रूरल इंडिया एंड इट इज एक्सपेक्टेड नॉट ओनली टू इंश्योर ऑटोनॉमस एंड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग बट ऑल्सो अकाउंटेबिलिटी। तो सर इसका मतलब है मैं तीनों चीजें कर रहा हूं। नंबर वन, मैं तुम्हें एनकरेज कर रहा हूं, आओ जाओ जी, हम तुम्हें जो 41, 42, 43 की एडवांटेजेस दे रहे वो सिर्फ तब नहीं दे रहे जब तुम काम कर रहे हो, व्हेन यू आर वर्किंग, वी आर आल्सो गिविंग यू द एडवांटेजेस ऑफ दीस वंस व्हेन यू विल नॉट हैव सॉरी यू विल आल्सो बी हैविंग अ ग्रुप वर्क टुगेदर, यू आर फॉर्मिंग ग्रुप्स और यू आर फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ इट, इट इज नॉट द एंड ऑफ इट कि मैंने सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लिया एंड नाउ आई एम डूइंग इकोनॉमिक बिजनेस। नो, वी विल ऑल्सो प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड डेमोक्रेटिक फंक्शन। तो ये है आपका पर्पस ऑफ 97th कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स क्या है? तो हम करेंगे नंबर वन इनकॉर्पोरेशन, नंबर टू रेगुलेशन, नंबर थ्री वाइंडिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ वॉलंटरी फॉर्मेशन, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड ऑटोनॉमिक फंक्शनिंग। ये एक एक वर्ड अगर तुम लिख लोगे तुम्हारे को फुल मार्क्स आने के चांसेस हो जाएंगे। पहले मुझे बनाना अलाउड होना चाहिए, ओके, सो आई शुड बी एबल टू फॉर्म, ओके, फिर उसको रेगुलेट करना आना चाहिए, आई हैव टू कंट्रोल एंड देन आई हैव टू डू वाइंडिंग अप, भाई मेरे को बंद कर देना है। तो भाई वाइंडिंग अप इज ऑल्सो वॉट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो भी मैं इसमें अलाउ करूंगा। फिर स्पेसिफाइंग द मैक्सिमम नंबर
should not exceed 21 members. तो यहाँ पे शायद नीचे दिख रहा होगा कि नहीं, आई एम नॉट टू श्योर. सो 21 members तक की लिमिटेशन होगी इस तरह से, ताकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी लगे, फैक्ट्री ना बन जाए ये. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑन दैट पार्ट ऑल्सो. अ फिक्स टर्म ऑफ 5 years दूंगा मैं फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड. तो एक कंट्रोलिंग बोर्ड बनेगा एंड इट्स ऑफिस बेयरर्स एंड एन अथॉरिटी और बॉडी फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो मेरे रेगुलेशन, तुम नोटिस कर रहे हो, मेरे इनकॉर्पोरेशन के फिक्स रूल्स बनते जा रहे दैट यू विल नॉट हैव मोर देन 21 मेंबर्स, तुम्हारे पास 5 years टर्म है, तुम्हारा इलेक्शन होगा. व्हाई एम आई डूइंग दिस? बिकॉज हम पहली लाइन नहीं भूले हैं. हम क्या नहीं भूले हैं कि हम बोलेंगे इट विल बी ऑटोनॉमस एंड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग. तो जब तक डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग तब तक नहीं होगी जब तक एक बोर्ड नहीं बनेगा, एक कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगी. और वो कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी अंडर सम अदर चेक्स एंड बैलेंसेस. अ मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 6 months ड्यूरिंग विच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कुड बी केप्ट अंडर सुपर सेशन ऑफ सस्पेंशन एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ऑडिट. इन अदर वर्ड्स, कि मैं 6 महीने का सुपर सेशन अलाउ करूंगा या सस्पेंशन अलाउ कर सकता हूं. फाइनेंशियल ऑडिट के लिए तैयार रहना है, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट. तो गबन, पैसे का गड़बड़, अनअकाउंटेबिलिटी अलाउ नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर. तो आई एम नॉट लेटिंग यू गो कि हाँ भैया तुमने डिसाइड कर लिया, दैट विल बी द फंक्शनिंग. ओके, नाउ empowering the state governments to obtain periodic reports of activities and accounts of cooperative societies. Okay, तो हमने किया है empowering the state governments to obtain periodic reports, activities and accounts of cooperative. तो हम सर इसका मतलब है आप states को भी empower कर रहे हो. बिल्कुल सर, इसका मतलब क्या है कि मैं federalism को नहीं violate कर रहा हूं. तो आई एम डूइंग इट फॉर कॉमन गुड. ओके, और प्लीज एक और बात याद रखना कि जब हम कॉमन गुड की बात कर रहे होते हैं तो हमें स्टेट्स को हमेशा पार्टिसिपेशन में लाना पड़ता है. आई होप यू रिकॉल, हमने जब पंचायती राज सिस्टम किया था तो हमको नोटिस कर रहे थे, हमने नोटिस करना स्टार्ट किया था कि जैसे ही हमने ये स्ट्रक्चर करना स्टार्ट किया, हमने लोकल गवर्नमेंट्स बात करना स्टार्ट किया, तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया. बिकॉज एंट्री नंबर 5 इन द स्टेट लिस्ट वॉज डीलिंग विद लोकल गवर्नमेंट्स. वो हम यहां पर करेंगे. नाउ रिजर्वेशन भी स्टेटस भी सेम ही है. रिजर्वेशन ऑफ 1 seat फॉर द शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब्स एंड 2 seats फॉर वुमेन ऑन द बोर्ड ऑफ एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी विच मे हैव इंडिविजुअल्स एज मेंबर्स फ्रॉम सच कैटेगरीज एंड पेनल्टीज इन रिस्पेक्ट फॉर ऑफेंसेस. बेटा आपने नोटिस किया, मैंने हर तरह से प्रिकॉशन लिया. रिजर्वेशन सेम पोजिशन, वुमेन अगर है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स की अगर मेरे पास मेंबरशिप है तो रिजर्वेशन उसी तरह से देनी है जैसा कि एज प्रिस्क्राइब. वुमेन है अगर मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज मैनेजमेंट बोर्ड्स तो भी हमें वैसी तरह की रिजर्वेशन देनी है. बट सबसे इंपॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी है. इफ इट इज नॉट फंक्शनिंग, अगर इट इज नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड ओके प्रोविजन, देयर विल बी पॉसिबिलिटीज ऑफ पेनल्टीज ऑन दिस पार्ट. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, फिर से मैं बार बार वहीं जा रहा हूं इसलिए मैंने तभी तो मैं बोला था ये वीडियो देख लेना. यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात थी, द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन. एक एक लाइन को आगे देखते चले जाओ. जब मैंने यहां पढ़ा तो नंबर 1, एज इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन, तो ये हमारा आर्टिकल 43B में से कॉपी कर लो. द मेंबरशिप इज ऑल्सो वॉलंटरी. Are you understanding? तो यह कोई जो जबरदस्ती नहीं है, ये conscription system नहीं है. That means a person is free to join a cooperative society and can also leave anytime as per his desire. In other words, irrespective of the religion, gender, caste, membership is open to all. तो sir, article 15 की भी discrimination is not covered. It is compulsory for the cooperative society to get registration. The cooperative society is a separate legal identity to the society. ये बड़ा जरूरी बात होता है. इसको लॉ में यू हैव टू टेक इट एज ए लीगल एंटिटी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. जैसे हम जो कंपनी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी बनाई, 5 लोगों के साथ मिलकर हमने एक कंपनी बनाई, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं. ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी को नाम दे दिया एक्स.
कल ए की भी डेथ हो जाए, बी की भी डेथ हो जाए, सी की भी डेथ हो जाए, डी की भी डेथ हो जाए, ई की भी डेथ हो जाए, ये कंपनी नहीं मरती माय फ्रेंड्स, कंपनी की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो लॉ की नजरों में ओके ये एक्स एक जीती जागता पर्सन है, लीगल एंटिटी है, राइट? उसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक लीगल एंटिटी है, राइट? सो इट इज कंपल्सरी फॉर द सोसाइटी टू गेट रजिस्टर्ड। सो सर जब आप रजिस्टर करते हो तो इट बिकम्स अ लीगल एंटिटी। फिर इट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय एंट्री और एग्जिट ऑफ मेंबर्स। तो मैंने जैसे बोला कि तुम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई को रिमूव कर दो, किसी और को रिमूव कर दो, एक ए बोले मैं नहीं काम करने वाला, मुझे नहीं इंटरेस्टेड, कोई बात नहीं बेटा तुम चले जाओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी वहीं की वहीं रहेगी। तुम मर भी जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम रिजाइन कर दो बोर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी और को ले आओ तो भी कोई नहीं फर्क पड़ता। कोऑपरेटिव सोसाइटी वंस इट इज रजिस्टर्ड इट इज अ लीगल एंटिटी। देयर इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स आ जाते हैं और अगर इसको पूछ लिया जाए तो बड़ा डेंजरस क्वेश्चन बन सकता है। बात यहां पे होती है कि सपोज तुम एक इंडिविजुअल हो और तुमने एक शॉप खोल ली, ओके तुमने एक शॉप खोल ली और तुमने शॉप में इन्वेस्ट किया 100 रुपीज, ओके या फिर 100 रुपीज में तो क्या होता है 1 लाख रुपीज, ओके आई एम जस्ट सेइंग 1 लाख रुपए में तुमने इन्वेस्टमेंट कर दी। अब तुमने एक शॉप खोल ली और उस शॉप में तुमने माल भरने के लिए, सामान भरने के लिए यू टुक 5 लाख रुपीज ऑफ लोन, तुमने 6 लाख रुपए किसी से क्रेडिट से सामान, कुछ इंटीरियर डेकोरेशन भी कर लिया, समथिंग लाइक दैट। नाउ भगवान ना करे तुम्हारा शॉप ना चले तो तुम बोलो कि मैं तो सब छोड़ के जा रहा हूं या बंद कर दो शॉप, ओके तो मेरा 1 लाख रुपए डूब गया। नहीं बेटा, तुम्हारा 1 लाख रुपए नहीं डूबा, ओके वो 1 लाख रुपए जो तुम लेकर आए थे वो तो डूबा डूबा, अब जिसका 5 लाख रुपया उधार है ना वो भी दे दो, और 6 लाख रुपए की जो वो है जो तुमने इंटीरियर डेकोरेशन है वो भी दो। तो तुम बोलोगे सर ये तो गलत बात है, मैं 1 लाख रुपए लेकर आया, मैं हार गया। नहीं बेटा, दिस इज नॉट 1 लाख रुपया लेकर आ गया, ओके तुमने यू हैव गॉट अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन ये होती है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब जितना जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो इन्वेस्ट करके लेकर आए, सपोज यू इन्वेस्टेड 1 करोड़ रुपीज एंड यू वॉन्ट टू, और कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं चल रही, बंद होनी है या फिर तुम लॉस में जा रहे हो, तुम्हें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता, दैट इज योर लिमिटेड लाइबिलिटी। सो दिस इज ये लिमिटेड लाइबिलिटी इज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसे ही आमतौर पर यू विल सी दैट देयर इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला एंड लाइबिलिटी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज मोर टू डू विद टैक्सेशन, बट सिंस आई एम टीचिंग यू एवरीथिंग ये भी समझ लो। अब बहुत सारे टाइप के कोऑपरेटिव्स होते हैं। द टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव कैन बी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। मैंने क्या बोला, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स दीज सोसाइटीज आर सेटअप। बेटा बड़ा मेजर हो जाता है ये प्रॉब्लम इंडिया में स्पेशली, जहां पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो आमतौर पर इंडिविजुअल या फिर इंडिविजुअल स्मॉल ग्रुप्स में होते हैं। एंड हम लोगों ने रियलाइज किया कि इनके लिए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कम्पीट विद लार्ज साइज कार्टल्स या लार्ज साइज ग्रुप्स, राइट? तो हमें बड़ी मुश्किल हो जाती है विद रिलेशनशिप टू क्रिएटिंग दीस व्हाट यू कॉल लेवल प्लेइंग फील्ड। तो हमने सोचा है जैसे अमूल स्पेशली इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, जहां पर द आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड में छोटे छोटे पीपल, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स विद रिगार्ड्स टू मिल्क प्रोडक्शन, उन लोगों ने जोड़कर अपना प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव बनाया एंड दे बिकेम अ फोर्स टू रेकन विद। यही प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव का है। इसका फायदा क्या है, मेंबर्स में भी फार्मर्स, लैंड ओनर्स, ओनर्स ऑफ फिशिंग ऑपरेशंस, टू इंक्रीज द मार्केटिंग पॉसिबिलिटीज एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसी, प्रोड्यूसर्स डिसाइड टू वर्क टुगेदर एज अ सेपरेट एंटिटी। वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है अपना भाव, अपना प्रॉपर प्राइस पाना, अपने आप को मार्केट में एस्टैब्लिश करना, इट बिकम्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू डू इट, बट विद टुगेदर कोऑपरेटिव दे कैन डू इट। फिर दे परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज लाइक प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स, दिस हेल्प्स इन लोअर कॉस्ट एंड स्ट्रेन्स इन ईच एरिया विद अ म्यूचुअल बेनिफिट टू ईच प्रोड्यूसर। ये तुमने नोटिस किया होगा कि आप एक साथ बहुत सारे लोगों का खाना बनाओगे ना, इट विल ऑटोमेटिकली भी इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू कि थोड़ा थोड़ा सब लोग बनाते चले जाए। इसी वजह से हम लोग मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम्स की बात करते हैं,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, लार्ज असेंबली लाइन की बात करते हैं, जब एक आदमी खुद इंडिविजुअली कर रहा है इट माइट नॉट बी वेरी इकोनॉमिकल फॉर हिम, लेकिन जब वो ग्रुप में करता है तो नॉट ओनली डज ही गेट वेरी गुड कमांड वेरी गुड प्राइस, बट जो इकोनॉमिक्स होता है दैट कम्स इन योर फेवर, और उसी में आप मिलजुल के बहुत सारे प्रोडक्शन मार्केटिंग डिजाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग सब में कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैन बिकम वेरी सक्सेसफुल। फिर एक और होता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव, दीज बिजनेसेस आर ओन्ड एंड गवर्नड बाय कंज्यूमर्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। नॉर्मली कोशिश करो जो फोकस करोगे वो म्यूचुअल बेनिफिट पे। दे व्यूज टू प्रोवाइड डेली नेसेसरी कमोडिटीज एट एन ऑप्टिमम प्राइस रादर देन अर्निंग अ पेक्यूनियर प्रॉफिट, देयर एम इज टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग सर्विस टू द कंज्यूमर। तो अगर तुम यहां पर भी नोटिस, ऑल्दो अब तो ये ज्यादातर प्राइवेट मेथड में हो गया है, लेकिन आपने नॉर्मली नोटिस करोगे जैसे बिग बास्केट वगैरह जो ग्रुप्स बने वॉट इज, या फिर रिलायंस के अब जो सिस्टम्स बन रहे हैं, या फिर जो कोऑपरेटिव्स बनते हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें चीप प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं? बिकॉज देयर आइडिया इज कि आप ह्यूज क्वांटिटी में अर्न सामान खरीदो, इट विल गिव यू द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। द मोमेंट इट विल गिव यू बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स राइट, इट विल बी ईजी फॉर यू टू सेपरेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पीपल ऑन एज लो अ रेट एज पॉसिबल। इंस्टेड ऑफ बाइंग इंडिविजुअली वाई नॉट बाय इट इन मास इन बल्क एंड यू विल गेट अ बेटर प्राइस। द थर्ड टाइप आर कॉल्ड एज क्रेडिट यूनियंस, दीज आर मेंबर ओन्ड फाइनेंशियल कोऑपरेटिव्स। देयर प्रिंसिपल इज ऑफ पीपल हेल्पिंग पीपल, इन अदर वर्ड्स कि मैं लोगों के साथ मिलकर मदद करूं, कैसे मदद करूंगा, वो दे प्रोवाइड क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द मेंबर्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। किसी को पैसे की जरूरत है ओके, ये इनफॉर्मली तुमने सुना होगा, आई एम नॉट टॉकिंग कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही होते, बट ये आपने इनफॉर्मली आपने ये सुना होगा नबार्ड वगैरह ग्रुप्स में ओके, कि आपको कभी भी पॉइंट ऑफ मनी मिल जाएगा तो यू कैन हैव दीज कोऑपरेटिव। कदम्बश्री वॉज अ वेरी सक्सेसफुल सेल्फ हेल्प ग्रुप ओके, जिसमें इसी तरह से फाइनेंशियल क्रेडिट एक दूसरे को दिया जाता है, और इट इज इंश्योरिंग नंबर वन कि किसी को व्हाट इज कॉल्ड एज असूरियस लोन्स नहीं दिया जाता, कि यार किसी को पैसे की कमी है या किसी को अननेसेसरी जरूरत पड़ गई तो उसको अननेसेसरली हाई रेट पे मिले, इट्स नॉट डन इनफॉर्मली। ये बहुत जगह पहले भी हो रहा था ओके, फॉर एग्जाम्पल चिट फंड्स या कमेटी सिस्टम्स होते थे, बट दैट इज नॉट वॉट वी आर टॉकिंग हियर, वी आर टॉकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली सैंक्शंड ग्रुप्स हियर क्रेडिट यूनियंस। उसी तरह से यू कैन हैव मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स ओके, दीज सोसाइटीज द प्रोड्यूसर्स हु विश टू ऑब्टेन रीजनेबल प्राइसेस आर द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। द आइडिया अगेन यहां पर यह है कि मैं खरीदूंगा तुमसे एंड देन आई विल सेल इट ऑफ। प्लीज अंडरस्टैंड यहां पे है साइज मैटर्स ओके, अगर हम टुगेदर यूनाइटेड फॉर्म करते हैं तो इट गिव्स मी अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू विन राइट। नाउ इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल हिस्ट्री भी समझ लो। द फर्स्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी वॉज एक्टेड इन 1904 और उसके बाद ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एस्टैब्लिश हुआ था। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, हम ब्रिटिशर्स के टाइम की बात करें ओके। देन पहली बार इसमें पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेशन सोसाइटीज को अलाउ किया गया था। द मोंटाग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919, आपको सबको याद है मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, अगर तुम्हें याद है तो मोंटाग्यू वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉज द वाइस रॉय, बिकेम अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो पहली बार प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, और प्रोविंसेस को बोल दिया भाई तुम डील कर लो विद रिगार्ड्स टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फिर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कोऑपरेटिव एक्ट 1935 कोऑपरेटिव्स वर ट्रीटेड एज प्रोविंशियल सब्जेक्ट अगेन इन ऑर्डर टू कवर कोऑपरेटिव सोसाइटीज विद द मेंबरशिप फ्रॉम मोर देन वन प्रोविंस। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनएक्टेड द मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1942। तो एक प्रोविंस हुआ तो चलता है, लेकिन अगर हो सकता है ना कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी एक या उससे भी ज्यादा प्रोविंस में हो, तो द मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 1942 पास किया गया था। फिर इस एक्ट का पर्पस था इनकॉर्पोरेशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैविंग ज्यूरिसडिक्शन इन मोर देन वन प्रोविंस। एंड फिर हमने सेम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट इसी पॉइंट से एक्सपेक्ट करके हमने 1984 में पास किया, एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1958 में हैड रिकमेंडेड दैट अ नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड राइट।
और इसी को फॉलो करते करते हम 2011 में पहुंचे और हमने आर्टिकल 43 भी किया। अब मुझे नहीं पता कि द सिविल सर्विसेज पीपल आपको कौन से फोकस से करेगा। अगर प्रिलिम्स क्वेश्चन होगा तो मेरे को नहीं लगता इसके आगे पूछ भी सकते, दे कैन नॉट इवन आस्क यू ऑन दिस पार्ट। लेकिन अगर आपको मेंस में भी आ जाए तो यू शुड बी नोइंग हिस्ट्री क्या है, पर्पस क्या है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। मैंने तीनों एंड से इस टॉपिक को कवर कर लिया है। आई एम श्योर कि अगर तुमने सिर्फ ये वीडियो भी देख लिया तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड माई फ्रेंड्स कि तुम्हारा कितना आवर्स समझ जाता है और कितना टाइम बच जाता है अगर वी एज प्रोफेशनल्स हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग द एंटायर स्ट्रक्चर इन टोटैलिटी। आई होप माई फ्रेंड्स यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थिंक ट्वाइस, थिंक 10 times, क्या तुम्हें प्रोफेशनल मेंटोरिंग की जरूरत है या नहीं। अगर जरूरत है तो इसी वीडियो के लिंक में जाओ, वहां पे सब्सक्राइब का लिंक है उसको क्लिक करो, रेफरल कोड यूज करो एंड वेलकम टू द प्लस कोर्सेज। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम गॉड ब्लेस, थैंक यू।